पेश है डेरा ब्यास दे इतिहास ते एक नजर दा भाग सत्तवां। बाबा जैमल सिंह जी दी वधदी रुचि नूं मद्देनजर रखदिआं किते ना किते आप जी दे पिता दे मन विच इह डर पैदा हो गया सी कि उन्हां दा सूझवान पुत्तर साधुआं दी संगत विच रह के किते साधु ही ना बन जावे। एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नहीं आवा। इसलिए साधुओं दे मेल जोल तो दूर रखण दे विचार नाल उन्होंने बाबा जी ने उन्हां दी भैण बीबी ताबो कोल पिंड सठियाले घल दित्ता है। पर दर्दी दी गत दर्दी जाने होर ना जाने कोई जेदे विच मालक नूं मिलण दी लगन अते तड़फ होवे ओ जाग ही उठदी है। ओदी हालत आम संसारी जीव की समझ सकते ने। नदियां पहाड़ ते दूरी ओदा कदे भी राह नहीं रोक सकतियां। जहां जा तहां राह। इत्थे भी आप दा साधु महात्मा नाल मिलाप होण लग पिया। एक योगी पासो तां बाबा जी ने योग दी सिख्या भी लैणी शुरू कर दित्ती ते छेती ही दोहां विच सिद्धि ते सफलता प्राप्त कर ली। कर दो नाम दीवाना जी अब कर दो नाम दीवाना। ओ योगी कहन लगा बेटा तुसी तां पिछले जन्म दे कई पूरन योगी जापदे हो इसलिए अभ्यास विच तुसी इस तरह उन्नति कर रहे हो जिमें ए सब क्रियावां तुसी पहलों ही साध चुके हो। पर कुछ समय पिछों बाबा जी ने ए मार्ग भी छड दिता क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने प्रणाम योग सब झगड़ा कह के इस विधि का खंडन किया है। आप दे सरल अते भोले भाले इरादे विच सच की खोज ते लगन वधी गई अते ज्यों ज्यों समा बीतता गया प्राप्ति की लगन प्रबल हुंदी गई। जद बीबी ताबो ने वेख्या कि बाबा जी की रुचि परमार्थ वल बहुत वध रही है ता उसने अपने पिता जी नूं सुनेहा घल्लिया। भाई जैमल सिंह दी संगत दे प्रति साधुआं महात्मा नाल वधेरे हुंदी जा रही है। मन मंदिर तन बेश कलंदर कट ही तीरथ नावा। ता पिता जी ने उन्हां नूं पिंड वापस ले आंदा। उस वेले इन्हां दी उम्र 12 तो 13 साल दी सी। इत्थे आके बाबा जी ने फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ शुरू कर दिता। आप सोचदे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच तां त्याग हठ कर्मा जप तप तीर्थ वर्त अते कर्म कांड दा खंडन कीता गया है। फिर वो केड़ी विधि जां अभ्यास है जिस उपर चल के श्री गुरु नानक देव जी कबीर साहब नामदेव जी अते होर महात्मा ने उच्ची आत्मिक पदवी प्राप्त कीती है। संतां महात्मा ने अकाल पुरख नूं मिलण दा की मार्ग दस्या है। दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे। आपां नूं भी इस मार्ग की खोज करनी चाहीदी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते होर महात्मा दी बाणी दी विचार करन तो बाद बाबा जी इस नतीजे ते पहुंचे कि मालक दी प्राप्ति वास्ते किसी अजिहे पूर्ण महात्मा जां संत सतगुर दी लोड़ है जिहड़ा कि आप सारियां रूहानी मंडलां नूं पार कर चुका होवे और शिष जां जग्यासुआं नूं भी ये मंडल पार करवाउण विच समर्थ होवे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे हर पत्रे हर शब्द विच अजिहे पूरे महात्मा दी खोज करन दा हुक्म ते इशारा मिलता है। कृपा करो दीन के दाते। होर महात्मा दी बाणी विच भी इसे तरह दी तागीद कीती गई है। गुरु साहिबान दे अभ्यास विच भगती दे तरीके दी पूरी कोख विचार पिछों बाबा जी इस नतीजे ते पहुंचे कि अनहद शब्द दे अभ्यासी सन। उन्हां दा मार्ग पंज शब्द दा सी।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਧਾਮ ਸੀ। ਮਨ ਲਾਗੋ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਦਿ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਲੋ ਮਹਾ ਪਰਲੋ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।